हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार, सूर्या टूरिज्म टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जी साथियों, मैं आज बात करने जा रहा हूं, वो बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है। शायद अब तक किसी भी गवर्नमेंट ने या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या जो समाज सेवी हैं उन्होंने किसी ने भी इस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जी साथियों, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट की। जी साथियों, स्टूडेंट का जो रूम रेंट है वो आज के टाइम स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बनी हुई है। साथियों, मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको, क्या है कि प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मतलब जनधन कल्याण योजना के तहत गरीब महिलाओं को पैसे डाल दिए, गैस सिलेंडर फ्री कर दिए, बहुत सारी ऐसी छूट दे दी जो मतलब फैमिली से रिलेटेड थी, तो लॉकडाउन में उनकी इतनी बड़ी समस्या नहीं हुई। लेकिन जो एक स्टूडेंट समुदाय है इसके सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर कॉलेज वाले स्टूडेंट की बात करें तो उनको तो फिर भी मतलब फैमिली कुछ पैसे भेज दिए तो जिसके कारण वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे थे, जैसे कि राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी, बैंक पीओ, क्लर्क या कुछ भी आईएएस आईपीएस की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो अब की बार फसलों को भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। लेकिन उनके ऊपर किसी समुदाय ने ध्यान नहीं दिया। एनजीओ ने खाना बांटा तो गरीबों को बांटा, मिडिल क्लास को भी बांटा, लेकिन सभी उनका मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। साथियों, ना तो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो स्टूडेंट का इस तरीके से एक इनका समुदाय है जो स्टूडेंट समुदाय है, कि आप जयपुर ले लो, दिल्ली ले लो, जो महंगी महंगी सिटियों में, कोटा जैसे शहरों में रह के अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको मतलब रूम रेंट के लिए वो लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं जा पाए और वो मतलब मकान मालिकों के पास ही हैं, तो उनको मकान मालिक बार बार मतलब हमारे रूम रेंट का क्या हुआ, लाइट का बिल आ गया, पानी का बिल आ गया, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मतलब गंभीर समस्या बनी हुई है। तो ना तो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ध्यान दिया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ध्यान दिया। तो मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कि मतलब वो स्टूडेंट समुदाय का सुने, उनके ऊपर विचार विमर्श करें। यही मैं प्रार्थना अलग अलग स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों से निवेदन करता हूँ और यही निवेदन मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करता हूँ कि इस बारे में भी कुछ सोचा जाए। जो स्टूडेंट लॉकडाउन में अपने घर नहीं जा सके, फंसे हुए हैं, तो ना तो कोटा से कुछ छात्र निकाले गए, लेकिन वो छात्र वही निकाले गए जो ऑलरेडी मतलब आईआईटी और इनकी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्विसेज की जो तैयारियां कर रहे थे वो स्टूडेंट आज भी अटके हुए हैं और उनका मतलब कोई समाधान नहीं है अब तक। और रूम उनका, मैं ये इतना ही चाहता हूँ कि उनका जो 3 महीने लॉकडाउन हुआ है उनका रूम किराया माफ़ किया जाए, गवर्नमेंट उनको कुछ सहूलियत दें, और ऐसा जैसे कि अभी विदेश से नागरिक मंगवाए जा रहे हैं या फिर मतलब इंडिया से जो मजदूर हैं वो इधर उधर ट्रेन से गए, इसी तरीके से मतलब रेंट एग्रीमेंट के तहत जिन स्टूडेंट ने रेंट एग्रीमेंट करा रखा है या मकान मालिक के तहत रह रखा है, तो उनसे एक प्रपत्र लिखवा के उसकी स्कैन कॉपी लगा के एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाए कि हमारा ये रूम रेंट है और इतने दिन से हम यहाँ रह रहे हैं, तो उसके तहत उनको 3 महीने की रूम रेंट की उनका माफ़ किया जाए। तो मेरी सभी राज्यों की सरकार से या स्टूडेंट से अपील है कि वो इस बारे में मतलब बातचीत करें किसी से और सरकार इस हित में कुछ फैसला ले, तो ताकि इन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, मदद हो सके। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर सबकी हेल्प हुई है, आप गरीब समुदाय के ले लो, किसी की भी ले लो, हर किसी समुदाय की एक दूसरे से हेल्प मिली है, गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प मिली है, अगर हर तरीके से हर किसी को हेल्प मिली है, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट से या किसी से भी अब तक कोई भी सरकारी या प्राइवेट संस्थाएं हैं उनसे कोई भी राहत नहीं मिली है। जो स्कूलों की है उनकी फ़ीस माफ़ हो गई, लेकिन जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे उनको अब तक ऐसी कोई सहूलियत नहीं मिली है। तो सभी राज्यों की सरकारों से और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो भी देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को फैलाएं, ताकि अगर स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और यही मेरी रिक्वेस्ट।